डोसे की चटनी या इडली की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मूंगफली, जिसे हम ग्राउंड नट कहते हैं। कुछ मूंगफली ले लेंगे, दलिया चना, अब इसमें हमने कुछ स्वाद के अनुसार हमने 5 हरी मिर्च ले रखा है, आप अपने हिसाब से मिर्ची ले लीजिए। अब इमली, जरा सा इमली पानी में भिगो देने से हो जाएगा। इसके बाद हम स्टोव में पैन को गरम करते हैं और इस गरम पैन में हम कुछ मूंगफलियों को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। धीमी आंच पे भूनना है, आंच अगर तेज होगी तो फलियां जल जाएंगे। धीमी आंच में ही हमें फलियों को भूनना है। अब हमारी फलियां भून चुकी है, हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब इस बंद हुए स्टोव में हम कुछ चना दलिया, जो दलिया चना है उसे हम इसमें डाल के उसे भी मिला लेंगे। ध्यान रहे हमने गैस की आंच को बंद कर दिया है, अब इसे चला लेना है। ऐसे हम 1 मिनट तक करेंगे और कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी ये फलियां ठंडी हो जाएगी तो हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें फलियों के जो ऊपर के छिलके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल सकते हैं। हो गया, इसमें मिर्ची और इमली डालकर हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा पानी पानी डाल के इसमें हम ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद हम स्टोव पर तवे रखेंगे और उस तवे में थोड़ा तेल डाल के हम राई को डाल लेते हैं, थोड़ा ज़ीरा, करहे पत्ती और 2 लाल मिर्च, इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ जो पेस्ट है उसे इसमें हम मिला लेंगे। और अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस बन गया हमारा स्वादिष्ट चटनी।